हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी अपने चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा घर बैठे आधार कार्ड में अब कुछ भी अपडेट कैसे करें, जैसे डेट ऑफ बर्थ, पता, कुछ भी आप घर बैठे चेंज कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। आइए सब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र खोलना है। ब्राउज़र में जाके आपको टाइप करना है UIDAI। आपको सब क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहली वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। आपको डाउनलोड आधार पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके का इंटरफेस। आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ऊपर आधार नंबर मांग रहे हैं, आपको आधार नंबर फिल करना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको ये कैप्चर फिल करना है। सेंड OTP पे क्लिक करना। आप देख सकते हैं OTP सेंड कर दी गई है। ये OTP से आ चुकी है मेरे नंबर पे। लॉगिन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये आपको कई सेवाएं मिलती हैं, जैसे आप आधार डाउनलोड कर सकते हैं, ऑर्डर आधार, पीपीसी कार्ड में आप आधार ऑर्डर कर सकते हैं, अपडेट आधार ऑनलाइन, आप अपने आधार को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, आधार अपडेट पर क्लिक करती हैं। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। प्रोसेस टू अपडेट आधार पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी चेंज करना हो, जो भी चीज़ चेंज करना हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, ऐसे मान लो हमें अभी अपना नाम चेंज करना है, तो आप नाम पे नेम पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद प्रोसेस टू अपडेट आधार पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं आपको जो भी न्यू नाम डालना है वो आप यहाँ टाइप करना करोगे। ठीक, नाम डालने में नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट फिल करनी है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, आप यहाँ पे करोगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट करोगे। आप सेलेक्ट करोगे क्या चीज़ आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो संशोधन में। बैंक पासबुक ले सकते हैं आप, कुछ भी जो भी आपके पास हो आप फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद नेक्स्ट करोगे। आपको यहाँ पर 50 रुपये की पेमेंट कटवानी होगी। पेमेंट कटवाने के बाद आप 7 से 8 दिनों में आपका आधार अपडेट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।